कृष्णा है, जय जिनेता। मैं कर दीशिका हेल्दी शाही खाना और मेरे सभी चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत अभिनंदन। चलिए बनाते हैं होली स्पेशल में आलू की चिप्स। बनाना बहुत आसान है, उसके लिए मैंने क्या क्या लिया, बहुत ही सफ़ेद आलू चिप्स बनती हैं। तो फिर चलिए बनाते हैं। ये देखिए एकदम सफ़ेद आलू चिप्स बनी है और उसका सीक्रेट बताऊंगी आपको। तो फिर चलिए बनाते हैं आलू चिप्स। बनाने के लिए मैंने आलू को छील लिए और पानी में ही आलू की टकरी जरा सी डालनी है, सेंधा नमक। तो फिर चलिए बनाते हैं आलू को इस तरह से। आलू किस रहे हैं जब तक गैस के ऊपर मैंने गंजी रखी, पानी गरम होने दूंगी, उसके बाद मैं डालूंगी इसी तरह से। देखिए इस तरह से मैंने आलू को किसने से किस लिया। बस एक बात का ध्यान रखना है कि आलू को चार पांच पानी से धोएं। जितना पानी से आप धोगे, तीन चार पानी से, चार पांच पानी से आलू चिप्स बहुत सफेद बनती है। एक पानी से धोया मैंने, दूसरे पानी में डालूंगी मैं इसी तरह से। तीन चार पानी से धोना है। पानी गर्म हो गया है, डालेंगे आलू चिप्स। डालिए पिटकरी जरा सी डालनी, पिटकरी पिटकरी डालने से आलू चिप्स सफेद बनती है। नमक नमक डालकर मिला लीजिए। आलू चिप्स जब भी पानी में डाल के हिलाएं तो चम्मच से नहीं हिलाना है, उसके पीछे जो डंडी रहती है उससे हिलाएं। इस तरह से आलू चिप्स आपकी नहीं टूटेगी, इस तरह से हिला लीजिए। इस तरह हिलाने से आलू चिप्स नहीं टूटती है। अब तक आपको YouTube पर किसी ने ये सीक्रेट नहीं बताया होगा, मैं आपको शेयर कर रही हूँ। चम्मच नहीं डालना है, चम्मच की जो पीछे डंडी रहती है उसे हिलाएं। आलू चिप्स बनाने का एक सीक्रेट और बताऊंगी। आलू चिप्स जब उबल जाए तो उसे पता करने के लिए नाखून ऐसे करना चाहिए। क्या समझ लीजिए, आलू चिप्स बन गई, आलू चिप्स बन गई है। मैं गैस बंद कर दूंगी। फिर बर्तन में ले लीजिए। फिर कपड़ा लीजिए, ऊपर इस तरह से सुखाइए। चाहे आप पंखे में भी सुखा सकते हैं, धूप में भी सुखा सकते हैं। तो बनाइए होली स्पेशल में आलू चिप्स इसी तरह से। बनाना बहुत आसान है, झटपट से बन जाती है। तो फिर बनाइए इसी तरह से आलू चिप्स होली स्पेशल में। ये बन गई आलू चिप्स। तो बनाइए फिर इसी तरह से